ऐसा डब्बे के अंदर बंद कनेक्ट होगा ना? अरे नहीं, यही बैटरी है, यहाँ से प्लस माइनस कनेक्ट होगा, चलने लगेगा। वैसे वैसे 50 बैटरी मिला देंगे ना तो ये जनरेटर बन जाएगा 250 KVA का। हमारे देश में इस बार पावर कट की जो ड्यूरेशन है काफी बढ़ गई है, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो। तो हम काफी तीनों इंडस्ट्री को सर्वे करने के बाद हम एक इंडस्ट्रियल एरिया में अभी आए हुए हैं, क्योंकि हर जगह पर जनरेटर उपलब्ध होता नहीं है। जैसे कि मेरे पीछे एक 250 KVA का जनरेटर चल रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी फैक्ट्री है, वहाँ पर जनरेटर चल रहे हैं। यहाँ पर 250 KVA का है, 200 KVA का है, 100 KVA का है, 50 KVA का है, 15 KVA का है। यदि हम दूसरे ऑफिस की बात करें तो वहाँ पर जनरेटर 15 KVA, 30 KVA, 50 KVA। और यहाँ पर नोएडा के एक फार्म हाउस में विजिट किए थे, वहाँ पर हर फार्म हाउस में 15 KVA, 30 KVA का जनरेटर। और जनरेटर का यूज केस बताएं तो जितने भी कमर्शियल एरिया है, आज के टाइम में जनरेटर हर जगह उपलब्ध होती है। इसका मतलब है कि हर जगह पर पावर कट की ड्यूरेशन रहती है, इसलिए अल्टरनेटिव पावर बैकअप सॉल्यूशन लगा के रखते हैं। लेकिन क्या इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है? आज के टाइम में कई जगहों पर, जैसे कि दिल्ली हो गया और ऐसे ऐसे कई राज्यों में जनरेटर को बैन कर दिया गया है, लेकिन वहां पर जनरेटर कंपनी उसको इम्प्रूव करके डीजल से CNG साइलेंट जनरेटर, जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं कि साइलेंट जनरेटर लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको अभी भी कुछ ना कुछ नॉइस आ रहा होगा, क्योंकि कोई साइलेंट कितनों रहता है लेकिन कुछ ना कुछ नॉइस रहता है। तो इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा। जनरेटर आपके लिए बेस्ट होगा, इन्वर्टर बैटरी बेस्ट होगा, या इन्वर्टर बैटरी विद सोलर पैनल बेस्ट होगा, इसी के बारे में आज इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं जनरेटर के बारे में। जनरेटर जैसा कि ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, और आज से नहीं, ये काफी साल पुराना है। जैसे कि इसमें डीजल इंजन और इसको इम्प्रूव करके आज के टाइम में साइलेंट जनरेटर आ चुका है। यदि हम इस जनरेटर की कैपेसिटी की बात करें तो 250 केवीए का जनरेटर है, और इस पर वर्किंग का हम बात करें तो ये इस पर कम से कम 80% तक का हम लोड चला सकते हैं। और इसका जो डीजल का जो कंजम्पशन होता है वह लोड के अकॉर्डिंग होता है। जैसा कि अभी इस पर 50% का लोड चल रहा है, तो इसका डीजल का कंजम्पशन भी ऐसे ही होता है। यदि हम मंथली फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो इस जनरेटर को चलाने के लिए लगभग 1 लाख रुपया हर महीने का डीजल कॉस्ट लगता है। तो यहाँ पर ये जनरेटर को चलाया जा रहा है, तो इसी सभी को, मतलब इसके साथ साथ बहुत सारे लिमिटेशन है कि जैसे नॉइस करता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, जैसे कि इंस्टॉलेशन एरिया ये हमेशा आउटडोर होता है, कभी भी इनडोर इसको नहीं लगाया जा सकता है। तो ये सब जनरेटर के साथ एक लिमिटेशन। यदि हम जनरेटर के फायदे की बात करें तो जनरेटर हमेशा इंडस्ट्रियल के लिए सबसे फायदेमंद होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल में बहुत सारे मशीनरी चलते हैं जिसका पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, जिसका 3000 वाट, ऐसे करके मल्टीपल मशीनरी रहते हैं और वहां पर मल्टीपल मैन पावर काम करते हैं। जैसे कि हम अंदर की बात करें तो लगभग 100 पीपल काम कर रहे होंगे, कई मशीन चल रही होगी, और ये इससे जो आउटपुट अभी मिल रहा है वह 100 किलोवाट का आउटपुट मिल रहा है। तो वहां पर ये जनरेटर सबसे फायदेमंद है। लेकिन यदि जो वीडियो आप देख रहे हैं कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल वाले, उनके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा जरूरत। तो यहाँ पर आपको जनरेटर और इन्वर्टर बैटरी का एक ही पर्पस होता है, बिजली जाने पर हमारे जो अप्लायंसेस है वह बंद नहीं होना चाहिए। अब अप्लायंसेस चाहे वो रेसिडेंशियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है या इंडस्ट्रियल हो सकता है। रेसिडेंशियल के अप्लायंसेस की बात करें तो जनरली घरों में जो होता है वह टीवी, पंखा, लाइट, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, गीजर, इंटरनेट, लैपटॉप, ये सब होता है। लेकिन हम चले जाए कमर्शियल, कमर्शियल का डिफिनेशन ये है कि जहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर,
टेबल चेयर ये सब होते हैं उसको हम कमर्शियल बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें कि फॉर एग्जांपल कमर्शियल का, तो हमारा ऑफिस हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, हॉस्पिटल हो गया। हॉस्पिटल में भी आपको एक हॉस्पिटल बहुत बड़ा दिखता होगा, एक हॉस्पिटल होता है कि होम विथ मेडिकल क्लिनिक, जैसे डेंटल केयर हो गया, आईज आंखों का क्लिनिक हो गया, फिर ऐसे लैब्स हो गए, इस तरीके से जो छोटे एक एक घरों के अंदर चलते हैं। फिर बिजनेस हो गया, जैसे कि होटल का बिजनेस हो गया, स्कूल हो गया, टावर्स हो गए, सोसाइटी हो गए, जो आप सोसाइटी जब आप खरीदने जाते होंगे तो वहां पर आपको बताया जाता है कि यहां पर आपको 24 घंटे बिजली पावर सप्लाई मिलेगा, वह पावर सप्लाई के लिए इस टाइप की पावर बैकअप लगाया हुआ रहता है। तो यहाँ पर, और यदि हम इंडस्ट्रियल की बात करें तो इंडस्ट्रियल में हैवी अप्लायंसेस होते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा इसका। सो फ्रेंड्स, जनरेटर का अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है आज के टाइम में? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इन्वर्टर बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी देखने में आपको लग रहा हो इन्वर्टर जैसा, या कुछ लोग इसको एम्पलीफायर बोलते हैं, लेकिन ना ये एम्पलीफायर है ना इन्वर्टर है, ये एक कैमल बैटरी है जो लिथियम आयन सेल से बना हुआ है। और यदि हम इसकी बनावट की बात करें तो देखने में जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ दो टर्मिनल दिया हुआ है, पॉजिटिव और निगेटिव, और यहाँ पर एक एमसीवी दिया हुआ है जिसमें बैटरी लेवल इंडिकेशन दिया हुआ है। अब इस बैटरी की कैपेसिटी की बात करें तो उस जनरेटर 250 केवीए का है, और ऐसे ऐसे 50 बैटरी हम मिलाएंगे तो जनरेटर के बराबर होगा। और इसकी बेनिफिट्स की हम बात करें तो इसकी बेनिफिट्स क्या होगा कि जो जितना डीजल वो लगभग वो महीने में 1 लाख का डीजल कंज्यूम करता है, वह 1 लाख रुपया हर महीने ये बचा देगा। कि आप इसका कैलकुलेशन निकाल के देखें तो आपको 1 साल में 12 लाख रुपया बचा के देगा, और इसकी वारंटी जो होती है 5 साल की होती है, मतलब ये 60 लाख रुपया आप बचा सकते हैं। और इसके अगेंस्ट आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये जनरेटर का जो लगाने का खर्च होता है वह ये 250 केवीए का 12 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट होता है, वहीं पर इसका इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये लगभग 22 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन यदि आप सेविंग की बात करें तो ये आपको हर साल 12 लाख का डीजल कंज्यूम करेगा और ये हर साल 12 लाख रुपया बचा के देगा। ये कैलकुलेशन आप नोटबुक पर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपका क्या राय है। हम दूसरे पॉइंट की बात करें, इंस्टॉलेशन एरिया की, इस बैटरी को लगाने के लिए कितना एरिया की जरूरत होगी और इस जनरेटर को लगाने के लिए कितने एरिया की जरूरत होगी। तो कमर्शियल की हम बात करें तो कमर्शियल में जनरेटर की जो कैपेसिटी होती है वो लगभग 30 केवीए का होता है, मतलब आप इसके 6 बैटरी के बराबर, जैसा कि आपको एक दिख रहा है कि एक बैटरी है, और इस तरीके से इस बैटरी को रैक स्टोरेज सिस्टम भी बोलते हैं, आप इतने स्पेस में आप इतने, मतलब 6 बैटरी को 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 5 से 6 फीट के रैक बना के आप 15 केवीए का जनरेटर बना सकते हैं। और उसके एरिया की बात करें तो ये टेबल के एरिया के बराबर आपको लेगा, तो आपको इतना ही स्पेस में 30 केवीए का पावर बैकअप सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जनरेटर पर तो हम सब कुछ चला लेंगे, क्या ये बैटरी पर हम चला सकते हैं? तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, कोई भी इन्वर्टर या जनरेटर पर सब कुछ नहीं चलेगा, जितना उसका रेटिंग होगा उसका 80 से 90% ही लोड आप चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जनरेटर है 250 केवीए का, तो इस पर हम सिर्फ 80 से 90% ही लोड चला सकते हैं। यदि हम बात करें इस बैटरी पर, तो इस पर आप 100% मोबाइल की तरह आप लोड चला सकते हैं, मतलब कि आप इस पर जितने भी इन्वर्टर लगाएंगे, मतलब आप 30 केवीए का पावर बैकअप सॉल्यूशन लगा रहे हैं या 15 केवीए का लगा रहे हैं, तो उसके साथ सपोर्टेड इन्वर्टर जो लगाएंगे उस पर आप लोड चला सकते हैं 100%, जैसा कि हमारे ऑफिस में पूरा का पूरा लोड चल रहा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने बिजली की जरूरत होगी, तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 5 यूनिट बिजली की जरूरत होगी, 5 किलोवाट आवर की बैटरी को चार्ज करने के लिए। ऐसे ऐसे आप मल्टीपल जितने बैटरी लगाएंगे उतना से आप मल्टीप्लाई कर ले। अब इतना यूनिट बिजली आप चाहे आप जनरेटर से ले लें,
बिजली से ले ले या सोलर पैनल से ले ले। यदि हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो आपको ओवरऑल हम बताते हैं जनरेटर से बिजली लेने का जो खर्च होता है लगभग 25 रुपए पर यूनिट होता है। यदि हम सोलर से बिजली लेते हैं तो वही बिजली 3-4 रुपए पर यूनिट होता है। तो आपको फायदा यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि आप बिजली क्या चीज से ले रहे हैं। अब आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, क्या आपके कमर्शियल एप्लीकेशन में सारा कुछ इस बैटरी बैकअप पर चल जाएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा आपको। तो इसके लिए हम अपने ऑफिस का एक एसी रन करके दिखाएंगे कितने घंटे एसी चल सकती है। तो इसको हम लेके चलते हैं आपके ऑफिस में, वहां पर हम आपको करके दिखाएंगे। फाइनली हम आपको लेके आ गए हैं हम अपने ऑफिस में। हमारे ऑफिस में 2 कैमल बैटरी पीछे पैरेलल कनेक्ट किया हुआ, मींस 10 किलोवाट आवर का हम पावर बैकअप सॉल्यूशन लगाए हुए हैं। वहां पर हम आपको टेस्ट करके, जो आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या हमारे अप्लायंसेस जिसमें फर्स्ट एसी चल पाएगा, तो हमारे पीछे एक नॉर्मल एसी लगा हुआ है। पिछले वीडियो में हम इन्वर्टर एसी दिखाए थे, इस बार नॉर्मल एसी आपको दिखाएंगे। तो नॉर्मल एसी का हम इसका प्लग बाहर निकाल दिए हैं, उसको हम चेक करके दिखाएंगे। इस नॉर्मल एसी को यहाँ पर हम कनेक्ट कर दिए हैं। अब इस कनेक्ट करने के बाद अब इसको हम अपने ग्रिड को करेंगे बंद। ग्रिड बंद करने के लिए हम MCV ऑन ऑफ नहीं करेंगे। हम जैसा कि हम आपको बताए थे कि ये बैटरी IoT बेस्ड है, जो हम अपने लैपटॉप और मोबाइल से ऑपरेट करेंगे। तो हम यहाँ से अभी देख रहे होंगे कि ग्रिड इनेबल है, ग्रिड से भी आ रहा है, बैटरी से भी लोड चल रहा है। तो यहाँ से हम अपना ग्रिड को करेंगे बंद। ग्रिड को बंद करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर कर देंगे सिर्फ सोलर ओनली। करने के बाद ये सेटिंग सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर स्टेटस में जाएंगे तो यहाँ पर ग्रिड हो जाएगा हमारा बंद। अब अभी के टाइम 7:33 हुआ है, तो अभी जो हमारा लोड जो चल रहा है वह 1000 वाट हमारे ऑफिस का लोड चल रहा है, जिसमें कई फैन, लाइट्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, फ्रिज, उसके साथ एक एसी हम चलाए हैं। तो अभी जो हमारा पावर कंजम्पशन है 3658 वाट, मींस कि अभी जो हमारा जो लोड चल रहा है वह 73% लोड पर चल रहा है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे कितने घंटे का बैकअप देगा। तो जैसा कि अभी चल रहा है, हम इसको अभी 7:30 चालू किए हैं। अब देखते हैं कितने बजे तक ये चलता है, उसके बाद हम लास्ट में आपको बताएंगे कितने घंटे का बैकअप दिया है। सो अब 2 घंटे बाद जो अभी जो टाइम हुआ है 9:37 रात के टाइम है। तो अभी यहाँ पर ग्रिड को एकदम कम्प्लीटली हम बंद कर दिए थे और अभी जो लोड चल रहा है 59% चल रहा है, क्योंकि अभी सारे ऑफिस की स्टाफ चले गए हैं, बहुत सारे लाइट पंखे बंद हो गया है। तो यहाँ पर 2 घंटे अभी जो बैटरी का लेवल है 57% है, मींस कि ऐसे करके हम और ये एसी को चलते रहने देंगे तो लगभग ये 11:30-12 रात तक ये एसी चलते रहेगा और कुछ पंखे चल रहे हैं अभी के टाइम में। मींस कि आपका जो सबसे बड़ा जो डाउट था कि क्या एसी इस पर चलेगा या नहीं चलेगा, तो यहाँ पर कंप्लीटली आप देख पा रहे हैं कि कई अप्लायंसेस के साथ एसी चल रहा है। और ये जैसे कि आप हम बताए कि ये हमारे पास 10 किलोवाट आवर का बैकअप है, उस हिसाब से ये एसी अन अप्लायंसेस के साथ लगभग 4-4.5 घंटा चला है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हो गया जनरेटर और इन्वर्टर बैटरी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज का, लेकिन यहाँ पर इसका कुछ यूज केस के बारे में भी हम समझ लेते हैं। कंडीशन में आप इन्वर्टर बैटरी के साथ खुश नहीं होंगे, जैसे कि आपका बारिश हो रही है, बिजली भी नहीं है, तो आपका ना सोलर पैनल बिजली बना के देगा ना बिजली है जिससे बैटरी चार्ज होगा, उस कंडीशन में ये बैटरी बंद हो सकती है। बाकी ऐसे आपको 365 दिन में से आपको 360 दिन आपको ऐसा देखने को कभी नहीं मिलेगा। 4-5 दिन हो सकता है कि आपको इस बैटरी से आप इतना खुश ना हो, लेकिन जनरेटर की बात करें तो आप ये सोच के आप जनरेटर का सिलेक्शन कर लिए तो आपको हर डे आप जितना डीजल कंज्यूम करेंगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। ये चीज आपको माइंड में रखना है। ये वही एग्जाम्पल हो गया कि इलेक्ट्रिक कार और
नॉर्मल डीजल और पेट्रोल कार की हम बात करें तो दोनों का मिला जुला के यदि हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो बात बराबर आता है, लेकिन उन दोनों का भी एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो ये आप पर हम छोड़ते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है इसके लिए जो हम प्रॉपर समझा नहीं पाए, आप कमेंट करके बताएं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। आप वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया कि आपके एप्लीकेशन के लिए कौन सा बेस्ट है, जनरेटर बेस्ट है या इन्वर्टर बैटरी बेस्ट है या इन्वर्टर बैटरी विद सोलर पैनल बेस्ट है, वह आप कमेंट करके हमें बताएं। यदि आपका कोई ऐसा रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन चल रहे हैं जिसमें आपको फ्रीक्वेंट पावर कट होते रहते हैं, आप सोच रहे हैं कि हमें कौन सा पावर सोर्स लगाए जो मोस्ट रिलायबल हो और लाइफ टाइम में वैल्यू हमें बना के दे, तो उसके लिए हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका कोई भी ऐसे एप्लीकेशन जैसे कि होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, फैक्ट्री हो गया, इन सभी को ऑफिसेस हो गए, इस टाइप के लिए पावर बैकअप और सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर आप विजिट कर सकते हैं, वहां से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।